अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक है। अच्छा जी, लेसन नोट्स वीक 15 और लेक्चर 29 और 30 इंशाल्लाह इसमें हम कवर करेंगे। न्यू चैप्टर है स्टूडेंट ये आप लोगों का, और चैप्टर का जो टाइटल है, चैप्टर नंबर 8 है, इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक हो गया? तो इन्वेंट्री के बारे में ऑलरेडी भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने दो मेथड पढ़े थे इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के चैप्टर नंबर 6 में, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम। ठीक है, तो इसी से जो है मेन आपको इन्वेंट्री सिस्टम का इन्वेंट्री होती क्या है ये तो अब आपको पता है, बट इन्वेंट्री को मैनेज करना इट इज़ नॉट अ सिंपल टास्क फॉर द मैनेजर एंड द ऑर्गेनाइजेशन। रीजन इज दैट कि जब हम इन्वेंट्री को परचेज करते हैं ना, तो ड्यू टू द मार्केट प्राइस, जो करंट मार्केट प्राइस है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, तो उस चेंजिंग की वजह से आपको इसको मैनेज करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। फिर हम जब इसको सेल करते हैं तो सेल के दौरान भी हमें फिर देखना पड़ता है कि हम जो है जो पहले हमने चीज़ें परचेज की थी उनको सेल करें, क्योंकि अगर हम अपने पास इन्वेंट्री का एक प्रॉपर स्टॉक रखना चाह रहे होते हैं, ठीक है, तो जो जो स्टॉक हम रख रहे होते हैं तो उस केस में एक तो परचेजिंग डिफरेंट प्राइस है, तो फिर जब आप सेल करना चाह रहे होते हो तो सेल में फिर हमारे लिए यही कंफ्यूजन होती है कि हम जो है कौन सी चीज़ पहले सेल करें। ठीक है, तो बहरहाल तो इसमें हमने इस चैप्टर में इन्हीं चीज़ों को जो है हमने डिस्कस करना है। तो दोनों ही मेथड के थ्रू जो है आपने के परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और जो पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम है, दोनों से आपने क्या करना है, इन्वेंट्री को यूज करते हुए यू नीड टू बी कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगेन मैंने उस वक्त भी जिक्र किया था कि आगे हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है आपको जो है सही उसकी जो वैल्यू है कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। तो ये हमारा जो चैप्टर है वो इसी से लिंक कर रहा है। वी नीड टू डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि हमारा फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्ट है, आप इसको रीड कर सकते हैं। इन परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम वी विल बी अंडरस्टैंड how to determine the cost of goods sold by using the different method, specific identification method, average cost method, FIFO, and last one is a LIFO. FIFO जो है first in first out और last in first out, already आप लोग जानते हैं। ठीक है, discuss the advantage and shortcoming of the each method, हर method की in detail हम उसको discuss करेंगे। ठीक है, और second हमारा learning object जो है वो है इन्वेंट्री चिकन लॉसेज एंड अदर हियर एंड एडजस्टिंग एंट्री एडजस्टमेंट टू द इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के केस में हमने इन्वेंट्री श्रिंकेज का भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, तो उसकी पॉसिबल क्या ट्रांजेक्शन होंगी, तो वहाँ यहाँ पे ठीक है इन फोर मैथड के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ये आपको गाइड करना है। और इसी तरह से स्टूडेंट पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम की भी हम बात करेंगे, और पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम में भी इन चारों ही मेथड की हेल्प से, ठीक है, क्योंकि आपका जो ये मेथड है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड जो कि ए पार्ट है, ठीक है, और बी एवरेज कॉस्ट एंड इसी तरह से फाइफो और लाइफो, इससे हम अगेन इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, और एट द एंड हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्ट्स है इस लेसन का, एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एंडिंग इन्वेंट्री बाय ग्रॉस प्रॉफिट मेथड एंड रिटेल मेथड। ठीक है, ये दो मेथड हैं जिससे जो है आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जो है एस्टिमेट कर सकते हैं बिहाफ ऑफ द एंडिंग इन्वेंट्री। तो इन मेथड को भी थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेंगे। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 8 अगेन इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये चैप्टर का टाइटल है। आपकी जो बुक जिसको हम फॉलो कर रहे हैं उसमें ये चैप्टर नंबर 8 है, इसको ओपन कीजिएगा और पढ़िएगा आप, ताकि अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, नाउ कम ऑन द प्रॉपर लेक्चर, तो हम बात कर लेते हैं। अब फर्स्ट हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्ट है उससे हम स्टार्ट लेते हैं। जी, हमने बात की थी कि हमने जो है मर्चेंडाइजिंग जो एक्टिविटीज हैं हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें हमने फोर मेथड को जो है इंट्रोड्यूस करना है। डी यहाँ पे यह देख सकते हैं, अकाउंटिंग फॉर मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री प्रेजेंट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैलेंज फॉर द कंपनी। जैसे मैंने पहले बात की थी कि दे नीड टू बी सेल द प्रोडक्ट, नॉर्मली कंपनी मस्ट मेंटेन नॉट ओनली रिकॉर्ड ऑफ द इन्वेंट्री आइटम फॉर सेल बट आल्सो द प्राइस एट विच दीज आइटम आर टू परचेज एंड सोल्ड।
ठीक है, ये दोनों ही कंपनीज को जो है क्या करना होता है, इसको मैनेज करना होता है। रीजन इज दैट के जो सेल प्राइस है वो भी आपकी चेंज हो रही होती है बिहाफ ऑफ योर परचेज प्राइस। ओके, जैसे जैसे परचेज प्राइस आपकी चेंज होगी तो आपने सेल प्राइस को भी चेंज करते जाना होता है। बहरहाल इट इज अ सिग्निफिकेंट कॉम्प्लिकेशन टू द अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्री एंड एंड एक्सपेंस इंक्लूडेड इन द इनकम स्टेटमेंट व्हेन इन्वेंट्री इज सोल्ड टू द कस्टमर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है चेंज की वजह से हमें इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट जब हमने अपडेट करनी होती है तो हमें सारी डिटेल का पता हो ताकि हम इजीली इसको कर सकें। ठीक है, इन्वेंट्री डिफाइन इन मर्चेंडाइजिंग कंपनी इन्वेंट्री कंसिस्ट ऑफ ऑल गुड्स ऑन एंड हेल्ड फॉर द सेल टू कस्टमर। सिंपल, पहले भी डेफिनेशन की है, यहाँ पे दोबारा इन्वेंट्री हमारे पास है क्या चीज़, वो सारी गुड्स जो कि हम आगे कस्टमर को सेल करने के लिए परचेज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसको हम इन्वेंट्री कह रहे होते हैं। इन्वेंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इन टू कैश विद इन अ कंपनी ऑपरेटिंग साइकिल। सिंपल, इन्वेंट्री का एक एसेट है और इस एसेट को हम जो है कैश में अकाउंट रिसीवेबल के बाद जो है नॉर्मल इसको जो है हम लिख रहे होते हैं। तो बाकी बैलेंस शीट में जब आप रिपोर्ट करते हैं, यहाँ पे ये देखें, इन्वेंट्री इज लिस्टेड इमीडिएटली आफ्टर द अकाउंट रिसीवेबल बिकॉज इट इज़ अ जस्ट वन स्टेप फर्दर टू रिमूव फ्रॉम द कन्वर्जन इन टू कैश देन कस्टमर रिसीवेबल। ठीक है, क्योंकि इन्वेंट्री जब आप सेल कर देते हो तो उससे अकाउंट रिसीवेबल जनरेट हो जाता है, तो अकाउंट रिसीवेबल से आगे क्या है, कैश कन्वर्ट हो जाता है। ठीक हो गया, तो फ्लो ऑफ इन्वेंट्री जो कॉस्ट है जरा उसकी भी हम बात कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, फ्लो ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट, पहली बात तो ये है कि ये एक आपका फाइनेंशियल एसेट नहीं है, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ नॉन फाइनेंशियल एसेट। ठीक है, इट इज नॉट इजिली कन्वर्ट इन टू कैश। रीजन इज दैट जो रॉ मटीरियल होता है वो भी आपकी इन्वेंट्री ही है। ठीक है, तो एक प्रोलॉन्ग प्रोसेस के बाद, जाहिर सी बात है वर्किंग प्रोसेस के बाद आप क्या करते हो, प्रोडक्ट बनाते हो, प्रोडक्ट बनाने के बाद जब सेल करते हो तो अकाउंट रिसीवेबल देन कैश। तो इस केस में आपका क्या है, इसको हम एक नॉन फाइनेंशियल एसेट कंसिडर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एनी हाउ एज आइटम आर सोल्ड फ्रॉम इन्वेंट्री देयर कॉस्ट आर रिमूव फ्रॉम द बैलेंस शीट। जो मेन हमारी अब जो ट्रांजेक्शन होती है उसको आप जरा माइंड में रखें कि जब भी हम इन्वेंट्री को सोल्ड करते हैं तो उसमें हमें जो कॉस्ट है उसको एक तो बैलेंस शीट से रिमूव करना होता है, क्योंकि आपने जब इन्वेंट्री परचेज की होती है स्टूडेंट, आपने उसको क्या किया होता है, एसेट, आप जो एसेट बना रहे होते हो ना, इन्वेंट्री को डेबिट कर देते हो, कैश को क्रेडिट कर देते हो। ठीक है, तो अब जब इन्वेंट्री को सोल्ड करोगे तो अब यही है कि जो जो भी पोर्शन आपने सोल्ड किया, जितना भी आपने सोल्ड किया, तो एक तो आपको रिड्यूस करना है, रिमूव करना है फ्रॉम द बैलेंस शीट एंड ट्रांसफर टू द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। उसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में भी आपने कंसिडर करना है। रीजन इज दैट कि हमने अपना जो सेल रेवेन्यू है अपनी इनकम स्टेटमेंट में, ठीक है, तो उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी निकालना होता है ताकि हम क्या कर सकें, अपना आगे फर्दर इनकम स्टेटमेंट को चला सकें। यहाँ पे ये देखें, परचेज कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइजिंग कॉस्ट एज अ इनकर्ड बैलेंस शीट में एज अ इन्वेंट्री कंसिडर करते हैं, एज गुड्स आर सोल्ड देन ये देखें रेवेन्यू में से हम लेस करते थे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, लेस करना होता है हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट से आगे जनरल जितने भी एक्सपेंस है वो लेस करने होते हैं और फिर नेट इनकम और फर्दर, ये चीजें सारी हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम जो है अकाउंटिंग रिकॉर्ड को एक पैरेलल डिस्क फ्लो वो कहता है, और व्हेन मर्चेंडाइजिंग इज परचेज इट कॉस्ट नेट ऑफ द अलाउएबल कॉस्ट डिस्काउंटेड इज ऐड टू द एसेट अकाउंटिंग इन्वेंट्री, मर्चेंडाइजिंग इज सोल्ड इट कॉस्ट इज रिमूव फ्रॉम द इन्वेंट्री। जो ऊपर हम बात कर रहे थे उसी को वो जो है इस पिक्चर्स को जो है वो रिपीट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। एनी हाउ जी, आगे है जी, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एंड अ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज अ critical important to the manager and external user of financial statement. In many cases, inventory is the company's largest asset and cost of goods sold is the largest expense, no doubt. तो हमारे पास अगर हम इस चीज़ को देखें, बहुत सारी जो बड़ी कंपनीज हैं उनमें जो इन्वेंट्री है उनका स्टॉक भी ज़्यादा रखा जाता है, तो इट विल बी कंसिडर एज अ लार्जेस्ट एसेट। ठीक है, और फिर ऑब्वियसली बात है सेल उनकी ज़्यादा होती है, तो उस केस में जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो भी एक लार्ज एक्सपेंस कंसिडर किया जा रहा होता है। ठीक है, तो इसके लिए फिर हम क्या कर रहे होते हैं, बरा टू अकाउंट फॉर अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब टोटल एंड द रेशियो यूज्ड टू इवेल्युएटिंग द लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस, और इन्हीं के बिहाफ पे हम प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी
जो है कंसिडर भी करते हैं बिजनेस की, ठीक है। सो एनी हाउ सेवरल मेथड आर यूज्ड प्राइसिंग द इन्वेंट्री एंड मेजरिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आर एक्सेप्टेबल इन अ जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। दीज मेथड हैव अ सिग्निफिकेंट डिफरेंट रिजल्ट बोथ इन अ कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इन एन इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। तो बरेल इन मेथड को जी हम बात करते हैं, और विच यूनिट डिड वी सेल purchase of the merchandise are recorded in the same manner under all of the inventory valuation method. The difference is just the method lie in the determine which cost should be removed from the inventory account when merchandise is sold, ठीक है। जो आपका purchasing manner है वो same ही है, जाहिर है जो एक cost में आप purchase करते हो वो लिख देते हो, लेकिन problem area जो है वो हमारे पास दो या तीन किस्म की purchasing इन्वेंट्री पड़ी हुई है, तो कौन सी हमने सोल्ड करनी है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्या लिखना है, इन चीज़ों को हमने जो है थोड़ा सा वेरीफाई करना होता है। पर नेक्स्ट जो आपकी वीडियो है उसमें हम एक एग्जांपल लेके इसको जो है डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पर नेक्स्ट जो है अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट में जो है हम एक एग्जाम्पल लेके इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ फॉर दिस वीडियो।